सलामुअलैकुम। आज पूरे इंडिया में एक चल रहे वी द पीपल डिमांड, वी द पीपल डिमांड के नारे पे आज पूरे इंडिया में, सब मुल्क में, सब जगह भी सिविल सोसाइटी के लोग आज ये नई हुकूमत जो आ रही है उसको एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश आज कर रहे हैं। सो ये संदेश इतनी बात है कि हम उनको बोल रहे हैं कि अब तो कान लगाओ, जमीन क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, आम जनता क्या बोल रही है, उसके ऊपर कान से एक बार ठीक से सुनो बोल के उनको बोलने के लिए जा रहे हैं। जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, एक्चुअली जो हुकूमत 10 साल से थी वो हुकूमत को रिजेक्ट किया गया है। आपको इन पे मेजोरिटी नहीं मिला, जो गवर्नमेंट बनी है ये मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। एक्चुअली जो वह नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये सब इंडिया को छोड़ के गए हुए लोग हैं। उनके ऊपर धमका के, डरा के, ब्लैकमेल करके, उनको गन पॉइंट के ऊपर, उनका अलायंस के ऊपर लेके आया है। तो इस टाइप उनको मालूम था कि उनका इंटरनल सर्वे था, उनको 220 से ज्यादा नहीं आएगा बोल के था, उनको 240 आया, बड़ी बड़ी बात है। उनको बहुत क्लियर था इसके अंदर। इसलिए उनको डरा के धमका के जो एनडीए से छोड़ के गए थे उनको फोर्सफुली लेके आके उन्होंने टेक्निकली मेजोरिटी बनाए हैं। एक्चुअली दिस इज ए टेक्निकल मेजोरिटी है, एक्चुअली रियल मेजोरिटी नहीं है। इन रिजल्ट मेजोरिटी पीपल आर रिजेक्टेड देम, उनका जो स्ट्रांग बेस हिंदी बेल्ट था वही रिजेक्ट हुआ है। इतना रिजेक्ट किए हैं कि अगर कुछ कंसर्स होता था तो ये 10 साल के उनके जो मोदी मॉडल था वही मोदी को इस बार रिजेक्ट करते थे। दिस इज सिचुएशन। अब तो इसलिए जो हुकूमत दी है उन्होंने थोड़ा सोचें, थोड़ा दिमाग चलाएं, क्यों लोग इसमें रिजेक्ट किए। लोग इसमें बेसिकली चार चीजों के लिए रिजेक्ट किए हैं। एक तो तुम खबरदार, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ लगाएंगे तो, ये लोग इसमें संदेश दिए हैं। क्योंकि इन्होंने 400 पार किस लिए बात कर रहे थे, 400 पार हम आएंगे तो हमको संविधान बदलने का ताकत आता है, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदला सकते हैं। तो लोग बोले तुम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ रखने आ रहे हो तो आपका हाथ बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने उनको पूरा उनका नंबर कट करके उनको 250 भी पहुंचे नहीं छोड़े, उनको उसके नीचे उनको ढकल दिए इसके अंदर। तो अभी हम संदेश है कि और एक बार भी ये मौका है, किसी हाथ से फिर और एक संविधान को छूने का कोशिश मत करो, नंबर वन। दूसरा जो बोले, आपने जो 10 साल में जो किए उन्हें पूरा गुंडागर्दी किए, लोगों का हमारा डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको कर्ब किए तुमने। उन आपने जो भी वॉइस उठाए, या स्टूडेंट हो, यूथ हो, वो जिग्नेश टेप हो, कन्हैया हो, उमर खालिद हो, इन सब लोगों के ऊपर झूठा केस डाल के आप उनको जेलों में सताए। किसान अपने हक के लिए मांगने लाए तो उनको दिल्ली में आने नहीं दिए, बैरिकेड डाल के उनको रोके, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, उनके ऊपर टीयर गैस उड़ाए, उनके ऊपर जो गाड़ी चलाया उसके ऊपर भी आपके मंत्रिमंडल के अंदर उसके अंदर आप रख लिए। सब जगह आप ईडी को इस्तेमाल करके जो भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं उनको दबाए, सीबीआई को यूज किए। तुम्हारा पूरा मिशनरी को लेते हुए आपने ओपन एंड ओप गुंडा कर दिया आपने किए हैं इसके अंदर। आपका सिविल बजरंग दल फोर्स को भी गुंडागर्दी किए हैं, पुलिस को लेकर गुंडागर्दी किए हैं, सीबीआईडी के लेके गुंडागर्दी किए हैं। लोग का भी संदेश है कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट कर दिए, इंडिया है, यहाँ डेमोक्रेसी का चलता है, गुंडागिरी का नहीं है। अब तो समझ जाओ, गुंडा गवर्नमेंट मत चलाओ, यहाँ का जो भी डेमोक्रेटिक उसको रेस्पेक्ट करो, डेमोक्रेटिक राइट्स को रेस्पेक्ट करो, ये दूसरा संदेश दिए हैं। तीसरा संदेश जो गया है कि तुमने सबके साथ सबका विकास का बात बोले, मगर आपने पूरा देश को धोखा दिए, गद्दारी किए, और पूरा अदानी अंबानी का उनका उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका संपत्ति है, इसको बढ़ाने में आप लगते रहे। उन्होंने आपको बढ़ाया, आप उनसे बढ़ाए, हम दो हमारे दो, आप चारों ने मिलकर पूरा देश को लूटा, पूरा देश को बर्बाद कर दिए, पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिए, किसानी को बर्बाद कर दिए, आम आदमी को बर्बाद कर दिए। अब हम बोलना चाहते हैं कि ये नहीं चलेगा, हमको डेवलपमेंट चाहिए, मगर ये कारपोरेट केंद्रित अदानी अंबानी सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं, आम आदमी सेंट्रिक डेवलपमेंट चाहिए। आम आदमी का सेंट्रल का डेवलपमेंट क्या होता है, आदमी को खुशहाली चाहिए, उनको जीने के लिए उनके ऊपर जो बर्डन हो कम होना चाहिए। पहला इसमें काम होना है कि जो भी प्राइस रेस है ये प्राइस रेस कम होना चाहिए। पहला प्राइस रेस कम होना है तो जीएसटी पहले कम करो, सेस जो है पेट्रोलियम के ऊपर वो सेस कम करो। अगर दो भी सेस कम करोगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस रेस डाउन हो जाएगा, ये गवर्नमेंट पहले करना बोल के हम इसके अंदर पूछ रहे हैं। अरे हम पूरा जीएसटी और सेस कम कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? अरे इतने लाखों 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 करोड़ जो करके रख रहे हैं ना कॉर्पोरेट अदानी अंबानी, जो लूटने के लिए करके दे, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाओ, इतना पैसे किसके लिए क्यों चाहिए, इतना पैसा उनके ऊपर टैक्स बढ़ाओ, वहां से पैसा लो
और कंट्री चलाओ इसके अंदर। तो ये हम ये कॉर्पोरेटिक सेंट्रिक पीपल सेंट्रिक होना है। उसी टाइम पे पहले अभी लोग तो जिन इतने यूथ्स हैं पढ़े लिखे आ रहे हैं, जॉब्स नहीं है इसके अंदर, पहले इनको जॉब का डेवलपमेंट गारंटी करो। पकौड़ा का बात मत फिर करो, मत फिर मत ये बात मत करो। अगर ऐसे पकौड़ा का जैसे बात करेंगे तो पूरे यूथ तो आपके खिलाफ खड़े होंगे इसके अंदर। जॉब के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है हायर एंड फायर ये नहीं चलेगा। सबको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए और मिनिमम होने के रेस्पॉन्सिबल जिंदगी चलने के लिए मिनिमम एक 25,000 का इनकम तो मिनिमम वेजस होना चाहिए। इस टाइप का आप लाओ उसके अंदर। इसी टाइप ही एजुकेशन और हेल्थ में जो भी लूट चल रहा है उसको बंद करवाओ सब जगह भी। और पूरा भी लोन्स जो बड़ा है किसान के ऊपर हो, वीवर्स के ऊपर हो, छोटे मोटे धंधे करने वालों के ऊपर हो, ये सब पूरे कर्जदार बन गए हैं इसके तरफ से। क्योंकि आप सब चौपट किए हैं तो हम भी बोल रहे हैं कि ये सब बंद करो, पहले उनका लोन वेव करो। कॉर्पोरेट का जो वेव बंद किया उसको कैंसिल करो, वो तो लोन वापस बांधना है, नहीं तो उनका उनका बहुत प्रॉपर्टी है उसको सीज करो उसके अंदर। मगर किसी हालत से भी लोगों का बर्डन उसको कम करो, उनका लोन माफ करो, रियल डेवलपमेंट लेके आओ। इसके अलावा आपका जो अभी इतने दिन धर्म के नाम पे जात के नाम पे जो पॉलिटिक्स किए वो अभी नहीं चलेगा। मंदिर मस्जिद पाकिस्तान इंडिया हिजाब हलाल ये सब नहीं चलेगा इसके अंदर। सो लोग ये सब जान चुके हैं, सब ये वोट करने के लिए जो आप नाटक करते हैं नाटक समझ चुके हैं। लोग अमन चाहते हैं, लोग भाईचारा चाहते हैं, लोग प्यार से मिलजुल के जीना चाहते हैं। इसको मौका करके दो। अगर तुम इसके खिलाफ गए, संविधान के खिलाफ गए, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ गए, पीपल्स डेवलपमेंट को आप नेग्लेक्ट किए, लोगों के ऊपर और भी बर्डन बनाए और भी जहर फोड़ने की कोशिश की है, तो और बड़ा सुनामी आने वाला है, खबरदार। अभी ये कुछ भी नहीं, ये ट्रेलर है, बहुत बड़ा हद ये होने वाला है, उसको आप भुगतना पड़ेगा। ये हम उनको एक वार्निंग भी देना चाह रहे हैं और ये संदेश भी देना चाह रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके की भी मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। आप सबको मालूम है कि जो सरकार माइनॉरिटीज़ को खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जिस तरीके से विवाद हर दिन हर जगह डिस्टर्बेंस विवाद फैला रही थी, तो उसकी वजह से जो हमारे बिरादरान वतन जो दूसरे अदर कम्युनिटी के भी हैं मुसलमानों के साथ में मिलजुल के डेमोक्रेसी सेव करने के लिए एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो कदम उठाया है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काबिले तारीफ़ है। मैं सब लोगों को पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन्स को ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हिम्मत भी उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट इंडियन सिटीजन्स। अब मैं इस गवर्नमेंट से यानी तो सारे सिटीजन्स यही रिक्वेस्ट करते हैं, पीपल लाइक अडानी अंबानी एंड पता नहीं और कौन इनके साथ मिलके जो ये षड्यंत्र रचे हुए थे वो ऊपर वाले ने इनको नाकाम किया है और सारे सेक्युलर और ऑनेस्ट हार्ड वर्कर देशवासियों का हिंदुस्तानियों का सबका कामयाब सब लोग कामयाब हुए हैं और ऊपर वाले ने भी सबको कामयाब किया है।